शाहपुर रेंज के डीएसपी बलदेव दत्त ने कहा कि कोरोना का ये संक्रमण काल अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि समाज की तमाम व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए, आर्थिक हालातों को पटरी पर लौटने के लिए ये सब फैसले सरकार की ओर से लिए जा रहे हैं। पुलिस को सरकार के इन फैसलों का पालन जमीनी स्तर पर करवाना बेहद लाजमी होता है, इसलिए सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के समक्ष रहती है। ऐसे में पुलिस कभी नहीं चाहती कि जनता किसी भी तरीके से कानून को अपने हाथ में ले और नियमों का उल्लंघन करे। कई बार ना चाहते हुए भी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ती है जो धारा 144 जैसी आदर्श धाराओं के लागू होने पर भी उनका उल्लंघन करते हैं। इसलिए बार बार जनता से अपील की जाती है कि जहां भी इस तरह के आदेश पारित हैं, वहां कानून को अपने हाथ में ना लें, खासतौर पर कोरोना के इस काल में बेहद एहतियात बरतें ताकि जल्द से जल्द इस महामारी से मुक्ति मिल सके। वहीं उन्होंने सभी लोगों से अनलॉक 2 की प्रक्रिया का अच्छे से पालन करने की भी अपील की है। और पहले से रश भी बढ़ा है, तो निसंदेह रूप से ऐसे समय में हमारा काम थोड़ा सा और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि हमारे पूरा का पूरा फील्ड स्टाफ इस समय के दौरान फील्ड में रहता है। जिन जगह पर बाज़ारों में ज़्यादा रश रहता है, भीड़ रहती है, उन जगहों पर जा कर के इन चीज़ों को मेनटेन करता है। साथ साथ में लोगों से हम वैसे भी अपील करते रहते हैं अपने फेसबुक पेज के माध्यम से भी और पुलिस स्टेशन के माध्यम से भी कि क्योंकि जो सुरक्षा है वो आम व्यक्ति की भी जिम्मेदारी है, और आम व्यक्ति यदि स्वयं सुरक्षित रहेगा, स्वयं ही नियमों का पालन करेगा, प्रॉपरली मास्क का प्रयोग करेगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखेगा, अनावश्यक रूप से बाज़ार नहीं जाएगा, तो उसमें आम आदमी का भी फायदा है। तो हमने पहले ही टीम्स पुलिस स्टेशन लेवल्स पर कॉन्स्टिट्यूट की हुई हैं, तो टीम्स को गश्त और ज़्यादा बढ़ा दी जाएगी। और बाकी अवेयरनेस मैं मानता हूँ कि सिर्फ लीगल एक्शन ही इसका एकमात्र इलाज नहीं है। लीगल एक्शन हम लेते हैं जहाँ पर हमें वायलेशन कोई दिखती है कि ये वायलेशन क्षम्य नहीं है, या जहाँ पर लोगों की किसी व्यक्ति के आचरण से लोगों की सेफ्टी पर, उनकी हेल्थ पर कोई संकट हमें दिखता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ हम नियमानुसार कार्रवाई भी अमल में लाते हैं, उसका चलान भी किया जाता है। ज़्यादा ही कोई कर देता है तो उसके लिए हमारे पास प्रोविजंस भी हैं, तो उसमें केस भी दर्ज किया जा सकता है। लेकिन इसके अतिरिक्त लोगों से एक हम लोग विनम्र अपील भी करते हैं कि जब किसी भी समस्या को लेकर के सरकारों द्वारा कोई निर्णय ले जाते हैं और प्रशासन का कार्य उन निर्णयों को कार्यान्वित करवाना होता है, तो वो निर्णय हमेशा जनहित में ले जाते हैं, और जनहित में लिए गए निर्णयों का सम्मान जनता को भी करना चाहिए।